अभिनेता सलमान खान को लेकर एक बार फिर से हमारे इस खास रिपोर्ट में आप सभी को देना चाहेंगे एक बड़ी खबर, और वो खबर है उनके कोर्ट पहुंचने को लेकर। जी हाँ, सलमान खान पहुंचे कोर्ट, क्या वजह थी? पहले तो इन पर FIR दर्ज हुआ कि इन्होंने एक पीड़िता का नाम उजागर किया जो कि बहुत गलत था, जो बहुत ही बुरी क्राइम का चपेट में आ गई थी, और इसे लेकर उनके ही नहीं, अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार तमाम बड़े एक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। ऐसे में सलमान खान ने बड़ा कदम उठाया। सलमान खान ने कंप्लेंट फाइल किया है सलमान भाई के खिलाफ। सलमान भाई एक वीडियो गेम है जो कि हिट एंड रन केस पर बेस्ड है। सलमान खान के इस केस से हर कोई वाकिफ है। अच्छी तरह से फुटपाथ पर सोए लोगों को के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें सलमान खान की गाड़ी जब्त हुई थी। ऐसे में सलमान खान काफ़ी कोर्ट कचहरी कर चुके हैं और आज भी वो ट्रॉल होते हैं। ऐसे में सलमान खान मुंबई सिविल कोर्ट पहुंचे और वीडियो गेम सलमान भाई के खिलाफ उन्होंने जो केस दर्ज कराया उसमें उनका कहना है कि एलिगली बेस्ड है ये गेम उनके हिट एंड रन केस से जुड़ा, जो साल 2002 का उनका केस है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है टेम्पररी रिस्ट्रेंट इस गेम के एक्सेस को लेकर। वहीं सलमान खान को लेकर आपको बताना चाहेंगे, कोर्ट ने जो गेम के मेकर्स है इसे लेकर फैसला लिया है। पैराडिस स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर्स जो कि डिसमिनेट कर रहे हैं, इसके लिए रिस्ट्रेन किया है कोर्ट ने। लॉन्च और रीलॉन्च और रिक्रिएट द गेम, इन सब के खिलाफ कोर्ट ने अभी ऐलान कर दिया है। अदर कंटेंट इससे जुड़े हैं जो सलमान खान से जुड़े, वो सब नहीं होंगे। अब कोर्ट ने डायरेक्टेड जो हैं डायरेक्ट किए हैं मेकर्स को कि वो इमीडिएटली इससे ब्लॉक करें इस गेम के एक्सेस को गूगल प्ले स्टोर से और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब से, ताकि लोग इसे नहीं देख सके। सलमान दिल से इससे आहत है। सलमान खान को भी इसे लेकर पूरी तरह से राहत दी गई है ये कहा जा रहा है। सलमान खान की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है, बात करने की कोशिश की गई है, वो इस केस में उन्होंने मेंशन कराया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।